नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पोखरण शहर स्थित राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों ने गुरुवार की सुबह 2 घंटे काली पट्टी बांध कार्य का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि मंगलवार को राजकीय चिकित्सालय में 18 माह के बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में डॉक्टर और फार्मासिस्ट पर इलाज में कोताही बरतने के गंभीर आरोप लगाए थे। मौके पर पहुंचे एडीएम अजय अमरावत ने परिजनों की मांग पर सीएमएचओ जैसलमेर को घटना के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद दोनों कर्मियों को एपीओ किया गया। डॉक्टर और फार्मासिस्ट को वापस अस्पताल में नियुक्त करने की मांग को लेकर चिकित्सालय के कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया, लेकिन इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रही। कल हम सब चिकित्सा कर्मी संपूर्ण स्टाफ पैदल चलकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि हमारे यहाँ से 2 कार्मिकों को बिगैर जांच के एपीओ किया गया है, उनका एपीओ कैंसिल करवाया जाए और जांच होने तक उनको वापस भेज दिया जाए, और यदि जांच में दोषी पाए जाए तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाए। हम लोगों में इसलिए रोष है कि बगैर जाँच किए हमारे साथियों को एपीओ कर दिया गया है, इसलिए आज हम 2 घंटों का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और काली पट्टी बांध के पूरे दिन काम करेंगे। और हमारी आपातकालीन सेवाएं आज अभी भी चालू है, उसमें हमारे इंचार्ज महोदय डॉक्टर बाबूलाल जी गर्ग और नर्सिंग प्रभारी श्री प्यारेलाल जी दोनों इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं। धन्यवाद।